गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज़ मार्केट में जो गिरावट चालू थी वो आज भी इंट्रा में तो आपने देखी होगी लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग टेन पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ हुई है और यहाँ पे एक हॉल्ट नजर आ रहा है जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि एटीन थाउजेंड से आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इसके बारे में बात आगे निफ्टी के चार्टे बात करेंगे फिलहाल अगर रिटर्न देखें निफ्टी के तो आप देख सकते हैं वाई टी हैं थर्टी एक वीक में दो मार्केट गिर चुकी है पिछले चार पाँच दिनों से लगातार गिरावट जारी है एक महीने में 1.5 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं छह महीने में 26 परसेंट के दिए हैं वन ईयर में फिफ्टी के रिटर्न्स दिए हैं तो ये रिटर्न्स कोई कॉमन चीज नहीं है कोई मामूली चीज नहीं है एक निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए क्योंकि आप तीन सालों में देख सकते हैं एट्टी के रिटर्न दिए हैं तो मोस्ट ऑफ द रिटर्न पिछले एक साल में आए हैं इसीलिए मार्केट इस सबको एवरेज आउट करने की कोशिश तो करेगी अभी बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की सबसे पहले बात करते हैं आज के एंडाइसिस की तो आज की बात करें सेंसेक्स पॉइंट टू फोर परसेंट अप था जबकि निफ्टी पॉइंट ऊपर था बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी निफ्टी बैंक में जैसा कि हमने डिस्कस किया था लगातार तेजी बरकरार है टू पॉइंट की तेजी आज भी और इसका सारा श्रेय जाता है आईसीआईसी बैंक को टेन टू ट्वेल्व ऊपर था आज और बैंक के रिजल्ट आते जा रहे हैं बैंक भागते जा रहे हैं और निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग रह रहा है जिसकी वजह से निफ्टी फिफ्टी भी उतना नहीं गिर रहा है जितना गिर सकता था क्योंकि अगर आप मिड कैप पर नजर डालेंगे तो आज भी मिड कैब वन पॉइंट सेवन परसेंट से टूटा है कौन से स्टॉक्स टूटे हैं निफ्टी मिड कैप में उसके बारे में भी बात करेंगे आज आ, के टॉप गेनर्स जो हैं निफ्टी फिफ्टी के उसमें है सबसे ऊपर आईसीआईसी बैंक टेन परसेंट रिजल्ट के बाद आई बैंक में बहुत तेजी आई है ऑल दो एच डी एफ सी बैंक में भी आई थी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सेम डे हो गई थी लेकिन ऐसे ऐसे बैंक के रिजल्ट बहुत ही शानदार थे सारे के सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे थे और इसीलिए पूरे दिन स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही रहा एक्सिस बैंक भी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऊपर था आज उसके अलावा ओ एन जी सी जे एसडब्ल्यू स्टील डॉक्टर रेडीज़ में पॉइंट एट परसेंट की uh, बढ़ोतरी और यह छोटी मोटी बढ़ोतरी इन स्टॉक्स में भी थी आज के निफ्टी फिफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो बी पी सी एल थ्री पॉइंट फाइव परसेंट एस बी आई लाइफ थ्री पॉइंट टू परसेंट बजाज फिन में काफ़ी दिनों बाद थ्री परसेंट की टर देखने को मिली है बजाज फाइनेंस आज भी ज्यादा नहीं गिरा है बजाज ऑटो गिराजी टेक्नोलॉजी काफ़ी दिनों से गिर रहा है और टेक्नोलॉजी पे अपनी नजरें बना के रख सकते हैं काफी अच्छे प्राइस पे आने वाला है जल्दी ही टाटा मोटर्स 2 .2%, एशियन पेंट दोस्तों एशियन पेंट्स में जो विसल ब्लोअर वाली न्यूज थी उस पर क्या माजरा था उसके लिए मैंने कल दो वीडियोस डाले थे एक तो लाइव स्ट्रीमिंग करी थी 7:30 पे उसमें मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई थी एशियन पेंट्स में और उसके बाद 7:46 फोर्टी सिक्स पे पेंट्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था आ, उस न्यूज के लिए और उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाली थी कि अब आपको उसमें क्या करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो लोअर सर्किट लगने के जो पहले चांसेस लग रहे थे अब इसमें लोअर सर्किट लगने के चांसेस नहीं लग रहे हैं और आज एशियन पेंट्स में कोई भारी गिरावट नहीं हुई टू की गिरावट इतनी तो बर्जर पेंट्स में भी आज गिरावट थी तो इस गिरावट को तो नॉर्मल गिरावट समझ सकते हैं आप न्यूज़ की वजह से कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ा क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गया था और कल मार्केट क्लोज थी अगर क्लरिफिकेशन आज शाम को आया होता तो एशियन पेंट्स में लोअर सर्किट लग चुका होता जैसा कि किसमें हुआ था अडानी के स्टॉक्स में हुआ था बीस बीस पच्चीस पच्चीस परसेंट स्टॉक्स गिर गए थे उसके बाद उसमें क्लैरिफिकेशन आया था लेकिन तब तक तो जो डैमेज था वो हो चुका था लोग पैनिक सेलिंग कर चुके थे अब देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या क्या गिरावट हुई है आज सबसे ऊपर था आई 13 परसेंट पूरे दिन आई वीक रहा थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश करी लेकिन बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाया 13 परसेंट थर्टीन परसेंट की गिरावट और इसके हाई 6000 से भी ऊपर के हैं तो इसमें ऑलरेडी थर्टी से भी ज्यादा की गिरावट हो गई है थर्टी तक की गिरावट हो गई है लेकिन यह भी मुझे तो इनफ नहीं लग रही है क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक भागा था मैंने तो इसमें एक ओवर एम्बिशियस जी लगा के रख दिया है नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस जीटीटी है अगर वो हिट हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं हिट होगा तो कोई बात नहीं इसको मार्केट आवर्स में तो ट्रैक कर ही रहे हैं लेकिन बाई चांस क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है तो ऐसा हो सकता है कि आप जब तक उठे हैं जब तक मार्केट को देखें तब तक ये गिर चुका हो उसके लिए एक ओवर एम्बिशियस जी लगा के रख दिया है हिट हो जाए तो बढ़िया है नहीं तो कोई बात नहीं फ्री में लगता है कुछ जाता नहीं है अगर आप भी लगाना चाहते हैं जी तो आपको नीचे पिन कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा में अपना अकाउंट खोल करके जी लगा सकते हैं अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप जी फीचर का फायदा उठा सकते हैं उसके अलावा गिरावट थी इंडिया मार्ट में रिजल्ट्स के बाद लगातार इंडिया मार्ट गिरे जा रहा है आज भी 7.4 परसेंट की भारी गिरावट मुझे इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स पसंद नहीं आए थे मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था ऑल दो प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं थी बढ़ी बड़ो, बढ़ोतरी बड़, ही थी लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स में बढ़ोतरी आनी चाहिए वो मुझे नजर नहीं आई इंडिया मार्ट में इसीलिए मैं थोड़ा सा नाखुश था इंडिया मार्ट के रिजल्ट से और स्टॉक लगातार गिर भी रहा है कोफौज के भी आज रिजल्ट आने थे और कोफ़ोज भी आज लोअर सर्किट पर फ्रीज हो गया था टेन पे लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आ गई सिक्स की क्लोजिंग हुई है नेगेटिव में डिक्सन टेक्नोलॉजी लगातार कुछ दिनों से गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है मेरे ख्याल से डिक्सन टेक्नोलॉजी भी ऐसा स्टॉक है जिसपे आप अपनी नजरें गड़ा के बैठे रह सकते हैं यह भी बहुत अच्छे प्राइस पर आने वाला है और स्टॉक की क्वालिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है फाइव की गिरावट उसके बाद गोदरेज एग्रोवेट फाइव पॉइंट एसआरएफ में बहुत दिनों बाद पांच की गिरावट आई है और इनफैक्ट केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स तो सारे के सारे ही गिर रहे हैं तो केमिकल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में तो फिलहाल सेल लगी हुई है जो स्टॉक चाहो वो गिरा हुआ है गाइस बैकग्राउंड में हो सकता है पटाखों की थोड़ी सी आवाज आ रही हो तो प्लीज आ, उसको माइंड मत करना ये आ, अगले एक दो दिन चल सकते हैं पटाखे अब दोस्तों निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमने इन दो गैप्स की बात की थी पिछले वीडियोस में इन दो गैप्स की बात की थी और मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि ये जो गैप है ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसने पूरी तरीके से फिल नहीं किया था और मैंने आपको उसकी पॉसिबिलिटी बताई थी कि, कि किस तरीके से ये फिल हो सकता है कि यहाँ पर एक विक बन सकती है और उसके बाद यहाँ से मार्केट रिकवर करके जा सकती है एटीन से तो आज बिल्कुल वैसा ही चार्ट पैटर्न बना है विक ने इस गैप को क्लोज़ कर दिया है और जो क्लोजिंग हुई है वो कल की क्लोजिंग ऊपर है और जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल सट के बनी है थोड़ा सा ऊपर की साइड बनी है ऐसा फॉलिंग मार्केट की तरह नहीं बनी है इनफैक्ट ऐसी इस तरीके से बनी है तो यहां से एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि एक बाउंस बैक आ सकता है आप चाहें तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था तो यहां से एक बाउंस बैक के चांसेस लग रहे हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहां पर एक डिप लगाना बनता है एटीन के नीचे जाती है मार्केट तब तो और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं आज की अपडेट्स की दोस्तों आज काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले थे ये सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं अगर आपने अभी तक ये रिजल्ट्स नहीं देखे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है नीचे पिंड कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी अपडेट्स पा सकते हैं जो कि आपको लाइव मार्केट में भी मिलती रहती हैं कहाँ लोअर सर्किट लग रहा है कहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है कहाँ क्या हो रहा है किसके रिजल्ट आ चुके हैं मार्केट आवर्स में जिसके रिजल्ट आ जाते हैं वो सब पोस्ट हो जाता है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी अभी रिजल्ट आए हैं कोलपाल के रिजल्ट आए हैं टू करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेज टू करोड़ गिरावट आई है एफ सेक्टर का स्टॉक है और एफ के बाकी स्टॉक्स में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी लेकिन गिरावट नहीं थी प्रॉफिटेबिलिटी में तो कोलपाल में यहां पे गिरावट नजर आ रही है लेकिन ये सारी चीजें कोलपाल के चार्ट में फैक्टर्ड इन हैं आप चाहें तो देख सकते हैं कोलपाल काफी गिरा हुआ है तो इसकी वजह से ये मत सोचना कि इसमें कल लोअर सर्किट लग जाएगा मैं कोई बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ

ग्यारह बारह हज़ार गया था और उसके बाद अभी इसमें बोनस आया है तो उसकी वजह से ये एक्स बोनस होने के बाद दो हज़ार रुपये का स्टॉक हो गया है अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्टॉक भागा था तो जिस तरीके से भागा था उस हिसाब से मुझे इसके रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं और आपने इसमें आज पाँच परसेंट का फॉल देख ही लिया होगा तो ये फॉल आगे कंटिन्यू कर सकता है इन माई ओपिनियन अगले रिजल्ट्स हैं को के कोफौज का प्रॉफिट आया है 147 फोटी सेवन करोर्स वर्सेज वन ट्वेंटी वन वाई इनकम इज एट 1569 सिक्सटी नाइन करोड़ वर्सेज एलेवन फिफ्टी फोर करोर्स वायो वाई तो आ, बाकी के आ, आप रिजल्ट्स देखेंगे आईटी सेक्टर के तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रिजल्ट्स नजर आएंगे आपको लेकिन बाकी आईटी स्टॉक्स इस तरीके से नहीं भागे हैं जिस तरीके से कोफौज भागा है को आंख बंद करके इस तरीके से ऐसे भागा है भाई ऐसे इस तरीके से भागा है और इस तरीके से भागने के बाद भी अगर ऐसे रिजल्ट पोस्ट करेगा कोफॉज तो इसमें गिरावट बनती है और आई थिंक आज वो जो गिरावट आई थी वो इसी वजह से आई थी लोअर सर्किट लगा था और अल्टीमेटली की क्लोजिंग हुई है नेगेटिव में और ये गिरावट आगे कंटिन्यू होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है कोफॉज में रिजल्ट आर नॉट एज गुड एज इट हैज बीन फैक्टर्ड इन टू तो द प्राइस सो यहां पर थोड़ी सी गिरावट आपको कोफॉज में देखने को मिल सकती है टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा का पैट आया है थर्टीन फोर्टी वन करोड़ वर्सेज वन जीरो सिक्स थ्री करोड़ और इनकम आई है इलेवन वन सिक्स करोड़ वर्सेज नाइन फोर एट नाइन करोड वाई ओ वाई तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट मेरे ख्याल से अच्छे हैं यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के बाद आ जाए जैसा कि बाकी आई टी सेक्टर के स्टॉक्स में भी आया है लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा फॉल्ट टेक महिंद्रा में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ रिजल्ट आर गुड टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में न्यूज़ है टाटा मोटर्स लाइकली टू तो इन्वेस्ट एज मच एज टू बिलियन डॉलर्स ओवर दी नेक्स्ट फोर ईयर्स टू लॉन्च टेन न्यू इलेक्ट्रिक वहीकल्स सो ये न्यूज़ तो क्या है ऐसी न्यूज आती रहती हैं कि टाटा मोटर्स इन्वेस्ट करेगा वन बिलियन डॉलर टू बिलियन डॉलर सो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने ईवी प्ले को लेकर के और हमने इस बात के बारे में डिस्कस भी किया हुआ है कि टाटा मोटर्स टाटा केमिकल्स और टाटा पावर ये तीनों मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आप ई प्ले करना चाहते हैं तो और उसके ही नीचे देखो टाटा पावर की न्यूज़ है टाटा पावर अचीव्स माइल ऑफ मोर देन थाउजेंड ई वी चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री सो टाटा पावर बहुत तेज़ी में है अपने चार्जिंग स्टेशन खोलने में और थाउजेंड ई वी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी खोल दिए हैं और ये नंबर आगे चल के बढ़ने ही वाला है तो गाइज़ ये थी आज की अपडेट्स मैंने आपके साथ आज के सारे रिजल्ट भी डिस्कस कर लिए हैं और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि एटीन थाउजेंड पर एक डिप तो बनती है आप चाहें तो अपने जी टी टी ऑर्डर्स लगा करके रख सकते हैं क्योंकि आज कल काफ़ी जगह लोअर सर्किट वगैरह लग रहे हैं तो हो सकता है जब तक आपकी आँखें खुलें जब तक आप मार्केट को खोल करके देखें तब तक आपका जी टी टी हिट हो गया हो तो जी टी टी का यूज़ कर सकते हैं और बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम